कपट किया है, इसलिए बंगाल को लोग जान रहे कि ममता बनर्जी आरएसएस हो गई है और बीजेपी होगी। आज पूरा देश में आप देख रहे होंगे आरएसएस जितना सक्रिय पूरे देश में नहीं है, नागपुर जैसे में नहीं है, मगर मगरबी बंगाल में आपका मीडिया चैनल को दोबारा मैं बोल देना चाहता हूं कि मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा साथ तृणमूल कांग्रेस के दौर में आरएसएस का खुला है मुसलमानों को डराने के लिए। ये वार्ड नंबर 25 में 8 कैंडिडेट है, 25 नंबर वार्ड में 8 कैंडिडेट है। आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं ऑफिशियली है, मगर तृणमूल कांग्रेस एक और कैंडिडेट दिया है बीजेपी को। यहाँ उसका मंत्री आकर के बोलता है कि एक नंबर बटन दबाने का माने मोदी को वोट जाएगा, बीजेपी को जाएगा। तो हम लोग 8 ही लड़ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है प्रथम कौन रहेगा, प्रथम यहाँ का पब्लिक रहेगा। यहाँ जो लोग पब्लिक लोग हैं वो लोग एक नंबर में रहेगा, वो लोग किसको करेगा, वो पब्लिक करेगा। देखिए TMC अगर आप बोलिएगा तो उसका मंत्री लोग ये भूल जा रहा है आकर के बोलने के लिए कि हमको तृणमूल के लिए वोट मांगना है। वो आकर के बोल रहा है कि एक नंबर को दबाइएगा तो बीजेपी को चला जाएगा, और यहाँ पर मोदी बोल रहा है कि जीत जाएगा। तो हम अपना आम लोग से पूछे कि आप मोदी तो नहीं है जो खड़े हैं? तो ये इनका छोटा नेता से लेकर के तृणमूल का बड़ा नेता, मंत्री कैबिनेट तक के, यहाँ तक है कलकत्ता साहेब अनवर पासा जैसे लोगों का दिमाग का संतुलन खराब हो चुका है। वो लोग बोल रहा है कि इस वार्ड का जो लड़ाई है ममता बनर्जी का नहीं, मोदी वर्सेज मुस्तफ़ा का लड़ाई है। तो ये जो लोग बोलना चाह रहे थे कि हाजी नासो साहेब का जो वोट जो है वो है नहीं, उनके लिए मांग नहीं सक रहे आज का डेट में। और सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन के बाद में भी वो लोग आकर जो मैदान में उतरे हैं, स्टेज कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं या स्टेज पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो लोग बोल नहीं पा रहे। चूँकि बोल इसलिए नहीं पा रहे कि जो कैंडिडेट को दिया है उसके लेकर के वो लोग कुछ बता नहीं पा रहे कि जो 5 साल उन्होंने क्या काम किया, इसलिए वो दोबारा खड़े हैं। आज सबसे बड़ी बात है पब्लिक के लिए, तो हम लोग साना बसाना कांधा से कांधा मिला के लड़ाई लड़ते हैं। हर एक मुद्दा पब्लिक का, चाहे छोटा से छोटा मामला होता है उसके लिए पब्लिक जो परेशानी होता है उसे निजात दिलाने के हम लोग हैं। हम तो अपने आप को कभी भी हारा हुआ कैंडिडेट या अपने आप को कभी ये समझे नहीं। लोग तो ये 5 साल जीत करके भी लोगों के बीच में नहीं रहे, तो पब्लिक का जब काम किया तो हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम पब्लिक का नुमाइंदा नहीं है। पब्लिक तो आज से 5-6 साल आ गई हमको नुमाइंदा मान के चल रहा है। अब जब आया है टाइम तो लोग इलाके से इतना लोग निकल रहे हैं, बच्चा बूढ़ा जवान नमाजी हाजी ख्वातीन पर्दा नशी मार बन, हमको लगता है कि आने वाला दिन में जिस तरीके से वोटिंग होगा 12 तारीख को, सबसे ज़्यादा मार्जिन से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 25 नंबर वार्ड से हम लोग जीतेंगे। और ये जो कैंडिडेट है फिर एक बार बोल रहे, इसका जमानत जब्त होना तय है इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। ये तो 5 साल तक ये काउंसलर रहा मगर 5 साल तक इस इलाके में नज़र नहीं आया। ये एक बार मशरक, मैं फिर बार बोल रहा आप लोग मीडिया वाला, एक बार मशरक में साए हुआ, खुद उसका बयान है कि हम जीत करके भी 5 साल आप लोग तक नहीं रह पाए। तो आजमाने हुए को आजमाएगा नहीं यार, लोग वो आजमाया हुआ है। और हम चूँकि इलाके के बीच में, चाहे इस इलाका में आसनसोल में जब हिंदू और मुस्लिम का फसाद हुआ था, आप हिंदू इलाका में चला जाइए, हमको तो ऐसा लग रहा है वार्ड में सिर्फ नाके बराबर है, मगर मैं आज चले जाइए दूसरा वार्ड में, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि अपने 25 नंबर वार्ड का नुमाइंदा 25 वार्ड का कैंडिडेट है। आप हिंदू इलाका में चला जाइए, आप लोग मीडिया वाले डंगाल धक्का डिब्बू पड़ा, आपको अगर बोलेगा कि कोई लड़का अगर है रेल पार आसनसोल में रहता है जो हिंदू और मुस्लिम को मिलाने का काम करता है, आसनसोल को पीस करने का नाम काम करता है, उसका नाम ऐसे मुस्तफ़ा है। हम हिंदू मुस्लिम राजनीति, हम तो एबीपी बोल रहे हैं, अगर 365 दिन आपका इलाके में आपके मोहल्ले में आपके साथ अगर कांधा से कांधा मिलाकर नहीं चला, हमको वोट देने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा बात है, जो लोग 5 साल तक दिखाई नहीं दिया, जो लोग आके मक्कारी कर रहे हैं उसके छोटा नेता से बड़ा नेता तक कि मोदी को हराना है और ममता को जिताना है, ये शब्द बोलने क्यों पड़ रहा? आज कलकत्ता से बड़े बड़े नेता लोग तृणमूल का करके छोटा छोटा करके गली गली स्ट्रीट कॉर्नर करा रहे, वो तो वोट दे बोल करके चले जाएंगे, जो टिकट दिया वो चले जाएंगे। लड़ाई यहाँ का लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया है कि तृणमूल का जो कैंडिडेट है हाजी नसीम अंसारी को हरा कर करके भेज देना है, जो शीशों के महल में बंद होकर करके लोगों से ट्रीट क्या करते थे, और ये उनका भाई उनका बेटा उनका लड़का कांधा से कांधा मिलाकर उनके साथ में खड़ा रहता था, तो लोग उनको लाइक करेंगे ना, वो जो नालायक को लाइक करेंगे। ये चुनेगा वार्ड नंबर 25 का 12 नंबर वार्ड का जनता। मैं तो खुला खुला ही बोल रहा हूँ, वोट में मैं भी खड़ा हूँ, 8 लोग खड़ा है, 8 लोग भी हमारे भाई हैं, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, आज़ाद हो CPM हो TMC हो, मगर वो कोई बीजेपी नहीं है, मगर उनका नेता अगर के बोल रहे हैं कि जो 25 नंबर वार्ड से 1 नंबर का में बटन छाप में खड़ा है कांग्रेस से, उनको वोट देने का माने बीजेपी है, जहां तक बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 8 कैंडिडेट नहीं है,
नो कैंडिडेट है तृणमूल के पीछे। सबसे बड़ी बात है, हम सुबह से निकलते हैं तो नाश्ता खाना बाहर में ही खा रहे हैं, चूंकि वो लोग ही खिला रहे हैं। अभी बगल में हाजी नगर गए, वहाँ पे लोगों ने चाय और नाश्ता का इंतजाम किया। पहले चाय नाश्ता कर लीजिए, तब डोर टू डोर करिएगा। चूंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो सिर्फ रात का खाना, अभी 12-1 बजे 2 बजे वापस जाता हूँ, अभी खाने का मन नहीं करता है। चूंकि दोस्त यार भी मुलाकात तो लोग भी खिलाते रहता है। सबसे बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि दिल में घुसने का बात है, तो आप शायद किसी से मोहब्बत किए होंगे अपना लाइफ में। तो जब किसी लड़की से आपको मोहब्बत हो जाता है ना, तो रोजाना उसको देखते रहिएगा, तब भी मोहब्बत होगा, उससे बात करते रहेगा तब भी आपको उससे प्यार होगा। उसी तरीके से इस वार्ड में रहने वाला हर एक व्यक्ति से उतना ही प्यार है जितना लोग मोहब्बत करते हैं एक लड़की से। वार्ड नंबर 25 में कुछ लोग मांग रही है, नहीं मांग रहे। वार्ड नंबर 25 में हाजी नसीम अंसारी को हटाने का मांग कर रहे हैं, उसको हटाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीतने का बात तो पब्लिक से बैठ करके हम लोग बात करेंगे क्या करना है। सबसे अहम मुद्दा है जो आसनसोल में, जो मेरे एजेंडा में, मैनोफेस्टो में है, गरोई नदी का साफ सफाई या गहराई करना। इससे 10 साल आगे हम लोग कराए थे, हम लोग कर चुके हैं। 10 साल आगे हम लोग कांग्रेस से जब जीते थे कुर्बान अली का नेतृत्व में, तो हम लोगों ने पूरे गुराई नदी का सफाई कराया था, ये जान करके रह लीजिए। दूसरा, जब हम लोग कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर चलता था, जिस समय जच्चा और बच्चा का डिलीवरी हुआ करता था, आज हम पूरे रेल पार्क के आइमा मस्जिद, सिर्फ एक दो मस्जिद नहीं बोल रहा हूँ, पूरे आइमा मस्जिद के इमाम और कुछ चुनिंदा शख्सियत, ये लोग मंत्री जी से बात करने के लिए गए थे। आज तक वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चालू नहीं है, उसको भी हम लोग चालू कराएंगे बढ़िया ढंग से, जिस तरह के जच्चा बच्चा का सफाई ये होता था यहाँ पर, वो भी हम लोग कराने का काम करेंगे। चूंकि देखिए, ये लोग इलेक्शन का टाइम डराने का काम करता है कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। ये बीजेपी आकर के लोग अब ऊब गए हैं, अब ये लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ डर कर राजनीति करता है। आज यहाँ पर आप देखे होंगे कि आप जब आए होंगे, वो रेल पार नहीं है जब हम लोग 20-30 साल आगे का रेल पार था। आज का रेल पार शिक्षित रेल पार है, आज का रेल पार पढ़ा लिखा रेल पार है। आज का रेल पार में आपको देखेंगे मजिस्ट्रेट 4-5 है, असिस्टेंट एसडीओ है। सबसे पहली बात है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये काजी नजरुल इस्लाम का ज़मीन है, और ये ज़मीन पूरी बंगाल को दिशा दिखाएगी। आसनसोल कॉरपोरेशन भी पूरी बंगाल को दिशा दिखाएगी। ये कलकत्ता नहीं है, ये आसनसोल है, ये जान करके रख लीजिए। ये आसनसोल शहर में यहाँ से क्रांतिकारी लोग पैदा होते हैं, और आसनसोल भी पूरी मगरबी बंगाल को दिखाएगी, दिशा दिखाएगी। उन्हें 5 साल तक नहीं रहा, यही सबसे बड़ा काम है उनका। वो 5 साल तक इस वार्ड में दिखाई नहीं दिया, ये सबसे बड़ा काम उनका रहा। तो इलाके में काम और डेवलपमेंट कहाँ होगा जब वो 5 साल रहा ही नहीं। इलाके का मुद्दा वैसे ही, आज भी हमारी माँ और बहनें जो बेवा हो गई, जो ओल्ड है, जिनका उम्र हो गया है, जिनको पेंशन का ज़रूरत है, ये तो अपने घर से नहीं देंगे। मैं भी कल काउंसलर बन जाऊँगा तो ये मैं अपने घर से नहीं दूँगा। ये सरकार का एक स्कीम आता है, ये लोग बोले फिर रहे हैं, आज दिए नहीं मगर ये लोग बोले फिर रहे कि स्वास्थ्य साथी और 500 और 1000 सेंटर का मोदी का वो बंद हो जाएगा, ये नहीं दीजिएगा। तो हम लोग, दीदी ने ये काम किया, तो हमने बोला कि जब दीदी ने इतना काम किया है तो भाई हम लोगों ने, कांग्रेस ने देश आज़ाद करा दिया है। जब तुम आज बोल पा रहे हो और स्वास्थ्य साथी भी नहीं मिल पा, तो कांग्रेस का सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बलिदान को याद रखो। नेहरू गांधी जी ने 18-18 साल जेल में बिताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने पूरा जीवन को जेल में बिताया, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। तुम्हारा स्वास्थ्य साथी कार्ड ये सब कुछ नहीं मिलता अगर अंग्रेज रहता, तो कांग्रेस ने देश आज़ाद कर दिया है। देखिए, ये 106 वार्ड में कांग्रेस कॉरपोरेशन में किंग मेकर रहेगी, बोर्ड बनाने के लिए जा रही है, ये जान करके रख लीजिए। और पूरे रेल पार में तृणमूल की असलियत का पत्ता खुल गया है, ये कलकत्ता भी जान लेगा। जो तृणमूल कांग्रेस नौटंकी करता था, एमएलए सीट से मुस्लिम को सीट को काटा करता था, कॉरपोरेशन में जैसे ही मुस्लिम सीट कटा, लीडरशिप कम किया, यहाँ का मुसलमान समझ गया कि कलकत्ता नहीं, ये आसनसोल है, इसको तृणमूल का यहीं से सबक सिखा के भेज देना है। वो जो दीदी अपना स्टेप बदल ली है, मुद्दे लाख बुरा चाहे का जगह में चंडी पाठ पढ़ रही है, आरएसएस का गोदी में दीदी बैठ गई है, पूरा तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं आरएसएस हो गई है। बीजेपी वो काम नहीं कर रही है जो ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए यहाँ पर वो काम कर रही है, डराने का, भय का। चूँकि यहाँ पर नौकरी देने का बात है, उर्दू का सेकंड लैंग्वेज देने का बात है, रिजवानुर रहमान का इंसाफ दिलाने का बात है, नंदीग्राम सिंगूर में जब काठबिरा में जब सीबीआई इंक्वायरी कराई थी, आज जिस नंदीग्राम में मुसलमानों का लहू बहा, खून बहा, जहाँ कल कारखाना कोलरी का लगाने का सीपीएम का मामला था, कांग्रेस जब लड़ा तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम का साथ ये वादा किया था, और एक पट्टा वाला पीला पीला लगाया करता था, याद होगा कि मुस्लिम का जो जमीन गया है उस पट्टा का पैसा मिलेगा जब मेरी सरकार बनेगी। आज ये पूरी मगरबी बंगाल में आवाज़ नहीं उठता है, उनका गरीब जिनका जगह किसान जो किसान थे जिनका जमीन छीना गया सिंगू नंदी का नाम, आप लोग मीडिया वाला कभी जाइएगा अगर मेरा बात गलत होगा तो, वो बेचारे लोग से वादा किए थे दीदी कि जब सरकार में आएंगे तो पट्टा दिया जाएगा। आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनकी औरतें बेवा औरतें कर रही है वृद्ध कर रही काम कर रही है, खाने को लोग तरस रहे। वो किसान जो अनाज उगाता था उसके साथ ही ममता बनर्जी छल। आने वाला 12 फरवरी को
जो चुनाव होने जा रहा है, घरों से निकले, मास्क लगा कर करके जाएं और एक नंबर बटन दबा के हाथ चाप में अपना बेटा को, अपना भाई को, अपना लड़का को कामयाब करें। आने वाला दिन में ये बेटा आपके साथ कांधा से कांधा मिला करके आपका साथ में खड़ा रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद।